नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फ्रेंड, हम सब जानते हैं आज ECST 10 बेलकोना में CTL वर्सेस मिनियाज का मुकाबला है। तो मैं इसकी एक आपको ड्रीम इलेवन की टीम दे रहा हूँ, जिससे ना कि आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे बल्कि एक अच्छा रिटर्न भी पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और फ्रेंड्स मैं बताऊँगा कि आपको कौन सा प्लेयर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा आपके लिए साबित होगा और आप कौन सी लीग में अच्छा जीत सकते हैं, सब बताऊँगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें ड्रीम इलेवन टीम की। तो सबसे पहले बात करूँगा कि हमें प्लेयर सिलेक्शन किसका करना है। प्लेयर सिलेक्शन बात करी जाए तो इसमें मैंने जो विकेट कीपर सेलेक्ट करे हैं वो है एम सफदर खान। एक अच्छे प्लेयर, एक अच्छी फॉर्म जो लीजिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, बहुत डोमिनेट करते हैं CTL की तरफ से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं CTL को, तो आप इनको लेके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बैट्समैन है एम आसिफ जिया, मोहम्मद रियाज दोनों ही अच्छे फॉर्म हैं, खासकर आसिफ जिया जो कि बहुत डोमिनेट प्लेयर है। CTL की टीम बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है इस लीग की, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको लेइए और आपको एक अच्छा रिटर्न। भाई जे एक बार लिए मैंने, एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और पीछे मैंने हालांकि फ्लॉप रहे थे लेकिन एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पावर हिटर हैं और इनकी बैटिंग मैंने एक बार देखी थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनको ले मिनियाज की तरफ से खेलेंगे। और नदीम अहमद, ये भी आपको एक बैटिंग में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देंगे। बात करी जाए बाकी प्लेयरों की, तो बाकी टीम में ऑलराउंडर्स की बात करें तो के अली क्योंकि लोअर मिडल ऑर्डर में आते हैं और टीम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो आपके लिए एक फ़ायदेमंद है। एक तो इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, आप इनको लेके कभी नुकसान नहीं कमाएंगे। और दूसरे यासिर अली, इनकी भी अच्छी है, एक अच्छे स्पिनर है CTL के, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऑलराउंडर में, तो आपको एक अच्छा डोमिनेंस देंगे। वहीं सरफराज अहमद, ये भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगी। बाकी बॉलर्स की भी बात कर लेते हैं, नदीम अली आपके लिए एक अच्छी चॉइस बनाएंगे और अकबर आजम भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस देंगे। ये दोनों प्लेयर आपको एक अच्छी बॉलिंग की लाइन देंगे। बाकी जो मैं प्लेयर चेक कर रहा हूँ वो है एस खफर राजा, ये भी एक अच्छे प्लेयर माने जाते हैं और पिछले मैच में 3 विकेट भी निकाल लेते, तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस भी बनेगी इनकी ओर से। बाकी की बात करी जाए इसमें, क्योंकि हमें जो चाहिए है वो है कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन वाइस कैप्टन में जो सिलेक्शन करना है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि एम सफदर खान, एम रियाज, मोहम्मद आसिफ जिया, जे इकबाल, यासिर अली और सरफराज अहमद, आप इनमें से किसी भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, आई होप आप इससे एक अच्छा जीतेंगे।